पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर आ रहे कावड़ भेड़ों से पीतल नगरी भगवा में हो गई। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो माह तक चली कावड़ यात्रा की रौनक रविवार को आस्था के सैलाब में बदल गई। दिल्ली रोड पर एक तरफ लगे शिविरों की वजह से सड़क पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। हालात ये थे कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। सुबह से शुरू हुआ कावड़ आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कावड़े रविवार को सुबह ब्रजघाट से गंगा जल लेकर निकले। पैदल जल लेकर मुरादाबाद तक कावड़ियों को न पाँव में छालों को की फिक्र थी और न ही थकान का असर। घुंघरुओं की छनछन की आवाज, होठों पर भोले के जयकारे, डीजे पर बजते भजनों पर थिरकते कदम और केसरिया सैलाब, कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को दिल्ली रोड का था। सावन का अधिक मास होने की वजह से दो माह तक सोमवार पर श्रद्धालुओं का भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक पूरे उत्साह के साथ दिखाई दिया और सभी भक्तों ने किया। आखिरी सोमवार होने की वजह से पूरा रोमांचक माहौल था। जगह जगह पर कावड़ियों का स्वागत किया गया। हमने अपने समृद्धि सेवा ट्रस्ट के जरिए हमने कांवरियों पे फूलों की वर्षा की है और केले वितरण किए हैं और जो खाद्य सामग्री थी वो सुबह से हम सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह का माहौल है? माहौल अभी थोड़ा धूप की वजह से थोड़ा हल्का है, लेकिन अभी शाम होते ही माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा, काफ़ी रश हो जाएगा। क्या कहना चाहूँगी? बस अपने ट्रस्ट के जरिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा हमारा सेवा भाव है कि हम अपना सेवा इसी तरीके से हमेशा देते रहें और बस निरंतर अपने सेवा जारी रहे हमारी। आज हमारी जो महिला मोर्चा में चंद नगर मंडल की उपाध्यक्ष हैं शालिनी अग्रवाल जी, इन्होंने समृद्धि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है और बहुत सुंदर तरीके से ये लोग उसमें सुबह से मेहनत कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मेडिकल कैंप के साथ साथ इन्होंने फल वितरण का भी काम यहाँ पे किया है और जो हमारे कांवड़ वाले आ रहे हैं, हमारी जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार कांवड़ के जितने भी भोले हैं उनको पुष्प वर्षा करके यहाँ पे इन्होंने स्वागत किया है और मुझे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे बुलाया है, इसलिए इनका भी आभार और समस्त मीडिया बंधुओं का आभार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।